तो हेलो एंड व्हाट्स अप गाइस, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो आज हम कराने जा रहे हैं टीम कोडी रोड्स वर्सेस टीम द जजमेंट डे। तो देखते हैं इन दोनों टीमों में से कौन सी टीम जीतने वाली है। इस मैच को जल्दी से शुरू करते हैं, लेट्स गो। तो ये मैच इधर चालू होता हुआ और देखना ये कि कुछ कर पाएंगे जजमेंट डे या फिर कोडी की टीम आराम से जीत लेने वाली है मैच को फिलहाल के लिए। अभी तो बच गए क्रॉस रोड्स के बाद फिन, लेकिन और क्रॉस रोड्स के बाद कैसे बचोगे, सबके पास दो दो फिनिशर है। उधर से डोमिनिक बचाने के लिए आ रहे हैं, यानी कि हमारे मम्मीज बॉय। और ओके, फिन को मौका मिल गया कोडी को मारने का। कोडी की टीम में है सीना सर और एक डर्टी फिन और 10-0 और जजमेंट डे को तो आप जानते ही हैं, यानी कि डायमंड प्रीस्ट, जेडी मैकडोना और हमारे मम्मीज बॉय यानी कि डोमिनिक मिस्टीरियो और फिन बेलोर जो कोडी से लड़ रहे हैं फिलहाल के लिए। फिन मारते हुए अभी, लेकिन फिन को जल्दी से अपना सिग्नेचर लगाना चाहिए वरना कोडी सबर नहीं करेंगे बिल्कुल क्रॉस रोड्स लगाने में। लेकिन सीना सर को टैग दे दिए, सीना सर अंदर आते हुए सीना सर के पास। ओके, पैर पे हमला कर दिया। ओके ठीक है, पैर पे हमला कर दिया है सीना सर। पिटते हुए शुरुआत में जैसे ही टैग मिला सीना सर पिटने लगे, फिन को भी टैग दे देनी चाहिए। क्रॉस रोड्स तो खा ही चुके हैं फिन अभी के लिए। फिर रिवर्सल आता हुआ, चलो कोई नहीं, रिवर्सल पे रिवर्सल और सीना सर अपना लगा देंगे फिनिशर के 360। और फिन बेलोर का इतनी जल्दी टाटा हो जाएगा, मुझे लगा नहीं था। एक और के 360 और मम्मीज बॉय की भी हालत ख़राब। तो फिन ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए। 1-2 किक आउट आता हुआ, चलो ठीक है किक आउट आ चुका है। बल्कि अभी के लिए मम्मीज बॉय जूझते हुए जजमेंट डे के एक प्लेयर एलिमिनेट हो गए फिन, क्योंकि मेरे ख्याल से दो दो फिनिशर एक क्रॉस रोड्स उसके बाद के 360 खाने के बाद झेल नहीं पाए और एलिमिनेट हो गए। कोई नहीं, मम्मीज बॉय भी पिटते हुए, मम्मीज बॉय ज़्यादा मत पिटो। बेयर हक देने जा रहे थे सीना सर, लेकिन रिवर्सल कर दिया है, बढ़िया है। और अभी के लिए अपना मूव भी करते हुए बढ़िया था, बहुत बढ़िया। डोमिनिक टैग दे दो, हाँ डायमंड प्रीस्ट को टैग दे दो, डायमंड प्रीस्ट देख लेंगे अब। और मम्मीज बॉय ने टैग दे दी है जजमेंट डे के, फिन एलिमिनेट हो गए। लेकिन उधर से फिन आते हुए डर्टी फिन, जिनका नाम है डर्टी फिन मेरे ख्याल से अगर मुझे याद है, तो सीधा फेस ब्रेकर लगाते हैं गजब का। फिलहाल के लिए टैग देने जा रहे 10-0 अंदर आएंगे जल्दी से, मैं कह रहा हूँ जल्दी से। डायमंड प्रीस अपना फिनिशर लगा दो, 10-0 ने अपना फिनिशर लगा दिया है। डायमंड प्रीस बाहर तो नहीं हुए, पिनफॉल हो सकती है, बचाने के लिए कोई आ नहीं रहा। 1-2 और जेडी मैकडोना, ज़्यादा अभी टैग नहीं मिला इनको, पता नहीं कैसा खेलेंगे, मुझे तो यही देखना है कि कैसा खेलेंगे बस ये अभी के लिए। तो डैमियन प्रीस पिटते हुए, डैमियन प्रीस साउथ ऑफ हेवन देने जा रहे हैं। ओके ओ ओके, मुझे लगा साउथ ऑफ हेवन था, लेकिन कोई नहीं। 1-2 और किक आउट आता हुआ 10-0 की तरफ से, डैमियन प्रीस का फिनिशर तो पड़ गया, कोई नहीं। और एक और बार और बूम, ओके डन। फिलहाल के लिए 10-0 को दो दो फिनिशर पड़े, 10-0 बाहर हो गए। अभी के लिए कोडी आ गए हैं अंदर, फिन की लड़ाई चल रही उधर डर्टी फिन की, और मम्मीज बॉय जेडी मैकडोनर सब बिजी हैं बाहर। बाहर बूम बम मच रहा है एक दूसरे का, उधर कोडी ऊपर से जंप लगाएंगे। ओके, डायमंड प्रीस्ट का भी बूम बम हो रहा है और जेडी मैकडोना तो स्टंट थे। सीना सर वापस अपनी जगह पे आ गए, मम्मीज बॉय भी मेरे ख्याल से स्टंट हो गए हैं। तो ये मैच ही टप पकड़ता हुआ, सारे प्लेयर्स एक दूसरे को मार मार के स्टंट करके गए अपनी जगह पे। और सारे प्लेयर्स से मेरा मतलब है कोडी की टीम से। फिलहाल के लिए मम्मीज बॉय भी अपनी जगह पे आते हुए नीचे लड़ते हुए काउंट चल रहा है। कोडी को ऊपर भेज दिया डैमियन प्रीस्ट ने, डैमियन प्रीस्ट एक और अपना फिनिशर देंगे क्या, सिग्नेचर है वैसे उनके पास। और ओके, बैक ब्रेकर का यूज़ करते हुए डायमंड प्रीस, अब जेडी मैकडोना को टैग मिलने वाली है। ठीक है, जेडी मैकडोना को टैग मिली, जेडी मैकडोना का ओके आते के साथ स्वागत हुआ एक क्रॉस रोड्स के साथ। 1-1 में ही बचा लिया मम्मीज बॉय, बचाने का काम तो बहुत अच्छे से कर रहे हैं। एक और क्रॉस रोड्स, नहीं 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 बिल्कुल नहीं, एक और क्रॉस रोड्स नहीं पड़ेगी। जेडी मैकडोना अपना फिनिशर लगा सकते हैं, लेकिन रिवर्सल करना पड़ेगा और शायद फिन को बाहर कर दें फिर, लेकिन नहीं। अभी के लिए फिर रिवर्सल, रिवर्सल बड़ा अच्छा कर रहे हैं जेडी और ओके ओके ओके, जेडी क्या करने जा रहे थे, जो भी करने जा रहे थे कोडी ने रिवर्स कर दिया। पावर बॉम्ब लगाएंगे, पावर बॉम्ब लगा दिया है कोडी ने।
और पैर को स्ट्रेच भी कर दिया है। टैग देंगे कोडी, नहीं पिनफॉल करने की कोशिश, और कोई बचाने भी नहीं आ रहा। वन में ही किकआउट भी हो गई है। जेडी के पास दो दो फिनिशर हैं। उधर से फिन आते हुए, डर्टी फिन, जो कि कोडी का साथ दे रहे हैं, और ऑफ कोर्स ही बात है एक क्रॉस फेस भी लगा दिया है। चलो ठीक है, ये क्रॉस फेस के बाद मम्मीज बॉय बचाने तो आए, लेकिन उससे पहले जेडी बच गए थे। जेडी ने अपना रिवर्सल फिर से करना चालू कर दिया, फिनिशर नहीं लगा रहे बस, लेकिन फिनिशर जल्दी से लगाना चाहिए, मैं बस इतना ही कहूँगा। कॉर्नर पे फेस फर्स्ट कर दिया है, और अभी के लिए पैर पकड़ के ओके पावर बॉम्ब भी लगा दिया है, तो डर्टी फिन को बाहर करा जा सकता है, लेकिन जेडी को फिनिशर लगाना पड़ेगा। अभी के लिए टैग मम्मीज बॉय को, ओके मम्मीज बॉय अंदर आते हुए, मम्मीज बॉय के पास तो फिनिशर है, दे सकते हैं, फिलहाल के लिए दे दिया है पे डर्ट का यूज। और वन टू, ओके टू नहीं होने दिया, कोडी ने बचा लिया है। चलो ठीक है, मम्मीज बॉय थोड़े अलग हैं क्योंकि ये रेयर एप्लीके तैयार करे हुए डोमिनिक हैं। फिलहाल के लिए यहाँ पे मम्मी है नहीं, लेकिन कोई बात नहीं। अभी के लिए ओके डायमंड प्रीस्ट को दौड़ाते हुए, डर्टी फिन मम्मीज बॉय लीगल है तो मम्मीज बॉय पे ध्यान दो। ओके मम्मीज बॉय पे ध्यान दो, क्या कर रहे हो फिन? ओके डायमंड प्रीस्ट को मार के ही जाएंगे। अभी के लिए एक सुप्लेक्स, डायमंड प्रीस्ट हो जाएंगे स्टंड। उधर से सीना सर को भी मारने जा रहे थे डोमिनिक, लेकिन डोमिनिक की किस्मत खराब, ठीक है कोडी को भी मार रहे हैं। ओके अभी के लिए आ गए फिन, आ गए फिन, आ गए। अभी के लिए फिन को मेरे ख्याल से नॉर्मल मूव देंगे और लेग ड्रॉप, ठीक है चलो ड्रॉप किक, लेग ड्रॉप, दोनों जो भी बोलना है बोल सकते हो इस मूव को। फिलहाल के लिए डर्टी फिन ने किक आउट कर दिया है, फिर से एक बार किक आउट, और अभी के लिए सीना सर को फिर मार पड़ती हुई। चलो ठीक है, और अभी एक और फिनिशर है डोमिनिक के पास, तो लगा देना चाहिए, इतना रुकना नहीं चाहिए। फिलहाल के लिए ओ गजब का ये फिनिशर, इसे बहुत बढ़िया फिनिशर कहेंगे, क्योंकि मम्मीज बॉय को आइडिया भी नहीं था कि क्या होने वाला है डर्टी फिन की तरफ से। मज़ा आ गया ये देख के। फिलहाल के लिए चलो एक कोड ब्रेकर का यूज़ कर दिया है, फिलहाल के लिए एक फोर आर्म शॉट भी मारते हुए, और अभी के लिए एक ओके मूव रिवर्सल करते हुए मम्मीज बॉय का एलिमिनेशन हो सकता है, लेकिन मम्मीज बॉय का ये मूव भी रिवर्सल हो गया। अरे रे मम्मीज बॉय दे दो टैग, टैग मांग भी रहे थे उनके प्लेयर, लेकिन डर्टी फिन ने देने नहीं दी, खुद टैग देने जा रहे हैं। किसको देंगे, सीना सर या कोडी, कौन आने वाला है? 3v3 पे ये मुकाबला पहुंच चुका है, क्योंकि उधर से फिन बेलोर जजमेंट डे की तरफ से और कोडी की टीम से 10-0 एलिमिनेट हो गए। ओके एक क्रॉस रोड्स, नहीं मुझे लगा क्रॉस रोड्स देने जा रहे हैं, लेकिन ओके मेरे ख्याल से डोमिनिक ने जो भी लगाने जा रहे थे कोडी रिवर्स कर दिया है, और डोमिनिक का ये मूव भी रिवर्स, एक सुप्लेक्स का सबका सुप्लेक्स रिवर्सल में, और अभी के लिए डोमिनिक अगर एक और शॉट पड़ता है तो स्टंड हो जाएंगे। क्रॉस रोड डोमिनिक ने रिवर्सल कर दिया है, तो डोमिनिक टैग देंगे क्योंकि कोडी आ गए रिंग के अंदर, और जब कोडी आते हैं तो डोमिनिक भाग जाते हैं, तो डोमिनिक भाग गए फिलहाल के लिए। डैमियन प्रीस्ट ओके अपना फिनिशर आते के साथ लगाएंगे कोडी को, और बूम हो ठीक है चलो फिनिशर लगा दिया है, सीना सर ने बचा भी लिया है। डैमियन प्रीस्ट बहुत तगड़ा, एक और फिनिशर लगाएंगे, कोडी बाहर हो जाएंगे, और कोडी ने रिवर्स नहीं किया, कोडी बाहर हो सकते हैं बिल्कुल, लेकिन कोडी फिर बच गए। ओके कोडी तगड़ा लड़ते हुए बच रहे, बार बार बाहर नहीं हो रहे, पिनफॉल उनकी टीम वाले होने देंगे नहीं, और सीना सर को अब स्टंट करा जाएगा। फिलहाल के लिए सीना सर को मारना नहीं, हाँ डोमिनिक वापस आ जाओ अपनी जगह पे, तुमने अपना काम अच्छे से करा है। अभी के लिए कोडी टैग देंगे, टैग टीम मूव देखने को मिलेगा फिन और कोडी के बीच, और ओके उठा के पटक दिया। रे रे डैमियन प्रीस्ट की हालत ख़राब, मुझे लगता है कि फिन डैमियन प्रीस्ट को बाहर कर सकते हैं, और अपना एक और ओके डैमियन प्रीस्ट बाहर हो जाएंगे बिल्कुल, कोड ब्रेकर का यूज। जेडी मैकडोनल ने अपना फिनिशर लगाना चाहिए अब, मुझे लगा फिनिशर था इनका, लेकिन फिनिशर नहीं लगा रहे जेडी मैकडोनल। जेडी मैकडोनल के पास तीन तीन फिनिशर हैं, लगा देना चाहिए एक। फिलहाल के लिए फंसा के पिनफॉल, मम्मीज बॉय बचा लो, वरना अकेले रह गए तो और दिक्कत होने वाली है। अभी के लिए जेडी मैकडोनल जब तक खेल रहे हैं तुम्हारी टीम से तब तक तो ठीक है, वरना अकेले पड़ जाएंगे इसके बाद। डोमिनिक सीना सर आ गए, सीना सर ओके बूम हो एक फोर आर्म नेक के पीछे, ओके सॉरी मैंने नेक के पीछे बोला, मैंने कहा कि फोर आर्म नेक पे। फिलहाल के लिए जेडी मैकडोनल का भी टाटा, मम्मीज बॉय अकेले पड़ गए,
और ओके अभी के लिए सारे मूव्स ही नजर रिवर्सल कर रहे हैं, ब्लॉक कर रहे हैं, कैसे जीतेगी जजमेंट डे मुझे समझ नहीं आ रहा। मम्मी बॉय अकेले रह गए, डोमिनिक अकेले क्या करने वाले, रिवर्सल करना पड़ेगा। एक सुप्लेक्स, ओके एक सुप्लेक्स पड़ गई है, रोप्स के पास है, रोप पकड़ सकते हैं, वन रोप पकड़ ली, रेफरी ने देख लिया। चलो ये वाली रेफरी जल्दी देखती नहीं है लेकिन देख लिया इस बार, और रिवर्सल करना चाहिए। फिन अंदर आएंगे, ओके फिन को टैग, फिन अंदर आएंगे, फिन बाहर हो सकते हैं लेकिन ध्यान से खेलना पड़ेगा डोमिनिक को, अभी तो पिट रहे हैं। एक सुप्लेक्स, ओके सुप्लेक्स का यूज, और अभी फिर से एक बार रिवर्सल नहीं करेंगे, रिवर्सल नहीं करेंगे, एक DDT भी खाएंगे, डोमिनिक की हालत ख़राब, जजमेंट डे बाहर हो सकती है, पूरी एलिमिनेट हो सकती है। एक सुपर किक, सुपर किक भी दे दिए जो कि इनका सिग्नेचर था, पिन फॉल 1-2, और अभी के लिए किक आउट कर दिया है ममीज़ बॉय ने। रिवर्सल करना चाहिए डोमिनिक, एक पहले किक, ओके पहले किक का भी यूज़ कर दिया, पिन को बाहर करना मुश्किल हो रहा है, और पंच लगाएंगे और ये मूव रिवर्स, ओके रिवर्सल पे रिवर्सल, अभी डोमिनिक भी रिवर्सल कर रहे हैं। डोमिनिक फिन को बाहर करा जा सकता है अगर थोड़ा सा मेहनत करो तो, फिलहाल के लिए मुश्किल होने वाला है डोमिनिक के लिए। अभी डोमिनिक पीछे हटे, डोमिनिक कुछ करने जा रहे थे, डोमिनिक ने फिन को बाहर कर दिया। कोडी अंदर आते हुए, कोडी को भी बाहर करा जा सकता है, रिवर्सल करना पड़ेगा लेकिन ओहो फिन को तो एलिमिनेट कर दिया। कोडी और सीना हर को कैसे एलिमिनेट करोगे, मुझे नहीं लगता कि डोमिनिक के मैच जिता पाएंगे, रिवर्सल नहीं कर रहे, बाहर कभी भी हो सकते। ये मूव रिवर्सल कर दिया, चलो सीना सर को बाहर करना है तो अभी ही करना है वरना बाद में मौका नहीं देंगे। सीना सर पीटते हुए, ये सीना सर के पास फिनिशर आएगा, पहले फिनिशर लगाएंगे और बाहर कर देंगे फिलहाल के लिए। रिवर्सल नहीं कर रहे डोमिनिक, और एक सुप्लेक्स एप्रन पे, ओके और बच गए अभी के लिए, और दोनों ने एक साथ मूव लगाया तो दोनों कहीं नहीं लगा फिलहाल के लिए। सीना सर को मारते हुए डोमिनिक, डोमिनिक का उल्टा चाटा भी खा लिया सीना सर ने, चलो ठीक है। और अभी के लिए सीना सर ने रिवर्सल भी कर दिया है, रेफरी अंदर बुला रहा है बार बार, तो रेफरी की बात सुन लेनी चाहिए। अरे सीना सर रेफरी की बात सुन लो ना, अंदर ले, अंदर ले जाओ अंदर, कम ऑन। सीना सर रेफरी की बात नहीं सुन रहे, ओके मेरे ख्याल से कहीं सीना सर नीचे ही तो बाहर नहीं हो जाएंगे, या फिर डोमिनिक भी नीचे बाहर हो सकते हैं, लेकिन डोमिनिक ने रिंग में भेज दिया है सीना सर को, डोमिनिक खुद भी आ गए। डोमिनिक को जल्दी से अपना सिग्नेचर या फिनिशर कुछ तो लगा देना चाहिए वरना सीना सर अब छोड़ेंगे नहीं। और अभी के लिए ठीक है, सनसेट फ्लिप के बाद पिनफॉल, लेकिन कोडी है ना बचाने के लिए, सीना सर ने वन में ही किकआउट कर दिया। कोडी पर ध्यान मत दो डोमिनिक, डोमिनिक कोडी पर ध्यान नहीं देने का, और अभी के लिए फिनिशर लगा देने का फिलहाल के लिए। ओके 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 डोमिनिक, डोमिनिक क्या सोच रहे हो, हेड डैमेज करा डोमिनिक ने लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं डोमिनिक, एक फिनिशर लगाना ही पड़ेगा, और फिनिशर लगाया सीना सर बाहर नहीं हुए। ओके 1-2 और किक आउट आता हुआ सीना सर का खुद ही से, कोडी तो बचाने तक नहीं आए अभी के लिए। डोमिनिक कोडी पे ध्यान मत दो, कोडी मैं मानता हूँ तुम्हारे अपोनेंट है सबसे बड़े दुश्मन, लेकिन कोडी पे ध्यान मत दो, स्टंट कर दिया कोडी को, सीना सर खड़े हो गए तुरंत। और अभी के लिए कॉर्नर पे जाते हुए, कॉर्नर पे एक फोरआर्म शॉट बोलूँगा मैं इसे, या एल्बो शॉट भी बोल सकते हो, सीना सर का खून निकल आया है। तो डोमिनिक ने जजमेंट डे के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है लेकिन डोमिनिक के काफ़ी नहीं होगा, रोल आउट कर गए डोमिनिक, सीना सर ऊपर से जंप लगाने वाले हैं। सीना सर का सुसाइड डाइव देखने के लिए रेडी हो जाओ, और सुसाइड डाइव लेकिन सीना सर मिस कर गए, मिस कर गए, कोई नहीं सीना सर को नीचे बाहर करा जा सकता है लेकिन डोमिनिक क्या सोच रहे हो। ओके रिवर्सल आता हुआ, कोई नहीं काउंट चल रहा है, सीना सर को बैरिकेड पे फेंक दिया है, उधर कोडी को मारेंगे नहीं, ऊपर आ रहे हैं डोमिनिक, काउंट चलता रहेगा और मेरे ख्याल से डोमिनिक कोडी को मारेंगे, लेकिन कोडी रोड्स कह रहे हैं मुझे पिटना ही नहीं है तो क्यों बार बार फालतू में मार रहे हो। ओके डोमिनिक रिंग में है, सीना सर रिंग के बाहर है, सीना सर को ऊपर आ जाना चाहिए जल्दी से, सीना सर बाहर हो सकते हैं, डोमिनिक भी बाहर हो सकते हैं। ओके ऊपर से जंप, हो सीना सर को फिर से एक बार पिनफॉल 1-2 और किक आउट हो गया, सीना सर ने खुद ही किक आउट कर दिया है, डोमिनिक परेशान, सीना सर बाहर नहीं हो रहे, अभी तो कोडी बचे हैं, टैग नहीं दी सीना सर ने, टैग मांग रहे थे कोडी फिलहाल के लिए। डोमिनिक पीछे हटे, क्या करना चाह रहे थे डोमिनिक। ओके एक सनसेट फ्लिप, ओके सीना सर तो सनसेट फ्लिप मारती हैं, तुरंत खड़े हो गए डोमिनिक, लेकिन रिवर्सल करना पड़ेगा, रिवर्सल नहीं करा,
टैग टीम मूव देखने को मिलने वाला है। कोडी को टैग मिल गया है। कोडी तो शुरुआत से पिट रहे हैं और कोडी और सीना सर बूम बाम मचाते हुए जजमेंट डे से तो दोनों को ही दिक्कत है। तो कोडी भी अब ऊपर से कूदने वाले हैं डोमिनिक के साथ अत्याचार होता हुआ और एक ओके गजब का और डोमिनिक एलिमिनेट हो जाएंगे इधर। ओके डोमिनिक एलिमिनेट हो जाएंगे तो जीत गई है कोडी रोड्स की टीम। वो माम मचा के जजमेंट डे का आखिरी में मम्मीज बॉय ने बहुत मेहनत करी लेकिन सीना सर और कोडी को बाहर नहीं कर पाए और कोडी की टीम ने तो गर्दा उड़ा ही दिया है। फिलहाल के लिए मैच इधर ख़त्म होती है। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर भी करना। तब तक के लिए मैं मिलूँगा आप लोगों से अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।